यूपी में 403 विधायकों में से बीएसपी के पास एक विधायक है और विधायक का नाम है उमा शंकर सिंह और विधानसभा नगरा। ये विधानसभा यूपी के बलिया में है। वहीं समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के पास इस समय 111 विधायक हैं, जबकि सत्ता पर राज कर रही बीजेपी के पास इस वक्त 255 विधायक हैं। इससे आप मोटा मोटा आंकड़ा और अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी कहां पर खड़ी है और बीएसपी और एसपी कहां पर खड़े हैं। ऐसे में कुछ संकेत मिल रहे हैं कि एक बार फिर बीएसपी एसपी का गठजोड़ हो सकता है और ये गठजोड़ 2024 लोकसभा के लिए होगा। यहाँ पर एक बात बताते चले कि पिछले लोकसभा में दोनों पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं, फिर भी बीजेपी को हराने में कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन अब की जो इशारे मिल रहे हैं उससे कहा जा रहा है कि एक बार फिर माया अखिलेश का मिलन हो सकता है और दोनों एक साथ मिलकर मोदी योगी को टक्कर दे सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसको कुछ इस तरह से समझा रहे हैं कि आजकल हाल ही में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें गुरुवार को अखिलेश यादव ने जो कहा उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव ने 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान एक बार फिर मायावती पर निजी हमला नहीं किया और ना ही बीएसपी को लेकर कोई टिप्पणी की। इसके अलावा उन्होंने लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को साथ लेकर चलने की भी बात कही। अम्बेडकरवादियों को साथ लेकर चलने की बात को मायावती संग एक बार फिर से गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव इससे पहले बुधवार को बीएसपी या मायावती पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। इतना जरूर कहा था कि हमने 2019 में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जो त्याग करना था वो भी किया। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से वो बीएसपी को साथ लेकर त्याग और सहयोग की भावना दिखाएंगे। जानकारी देते चले कि 2019 के आम चुनाव में एसपी और बीएसपी ने गठबंधन किया था और दोनों पार्टियों को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन अकेले बीएसपी के खाते में 10 सीटें ही थीं। इसी पर दोनों दलों के बीच विवाद शुरू हो गया था और अंत में एक बार फिर से ये ऐतिहासिक गठबंधन टूट गया था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एसपी ने 37% का ऐतिहासिक वोट हासिल किया था, लेकिन तब भी सत्ता से दूर रह गई। वहीं बीएसपी को महज 1 सीट ही मिली, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ऐसे में यदि एसपी और बीएसपी के वोटों को मिला लिया जाए तो ये 49% हो जाता है। शायद अखिलेश इसी वजह से मायावती और बीएसपी के प्रति उदार हैं, ताकि 12% का साथ मिल जाए तो वो 2024 में अच्छा परिणाम दे सकते हैं। जानकारी देते चले कि राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को एक बार फिर से एसपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद जया बच्चन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव के निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान राष्ट्रीय महासचिव और निर्वाचन अधिकारी राम गोपाल यादव ने किया। राम गोपाल ने कहा कि अखिलेश के नाम का प्रस्ताव माता प्रसाद पांडे, आलम बदी समेत 75 नेताओं ने किया। केवल एक ही नामांकन हुआ था, इसीलिए अखिलेश यादव को ही अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पहले इकबाल कादरी ने स्वागत भाषण में कहा कि अगर हम लोग लोकसभा में 50 से ज्यादा सीटें ले आए तो कोई भी सरकार अखिलेश के समर्थन के बिना नहीं बन सकती। के लखनऊ शहर में बहुत पुराना इतिहास आदि से लेकर के और ऐसा इतिहास छिपा है जिसने हमारे समाज को समय समय पर दिशा देने का काम किया है। हालांकि रविदास महतो जी बहुत पुराने नेता हैं, इनका रिकॉर्ड तो ये है कि शायद ही कोई नेता इतना जेल गया होगा जितना रविदास महतो जी जेल जा चुके हैं। अगर कभी रिकॉर्ड के माध्यम से देखा जाएगा तो जनहित में और जनता के सवालों पर अगर कोई सबसे ज्यादा संघर्ष कर जेल गया है तो वो रविदास महतो निकलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ा सपना दिखा दिया हम लोगों को, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधियों के सामने कहना चाहता हूं ये लड़ाई बड़ी है, हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचें, लेकिन हम समाजवादियों का यह सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिलकर के करें।
और अगर पीछे मुड़ करके देखें हम, जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं, जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए। लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था, तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। हम लोग जो समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं, उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया, हम कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने और हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था, जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई, जीत नहीं पाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बढ़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। जो उपलब्धियां हैं हम समाजवादियों की कोई एक नहीं है। समाजवादियों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, नेताजी कई बार मौका उन्हें दिया जनता ने, हम लोगों ने जनता के लिए काम किए। जनता की खुशहाली कैसे हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे सुविधा दिया जाए, हमारे बहुत सारे समाजवादी यहाँ पुराने नेता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब नेताजी सरकार में आए थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले 10,000 का कर्जा माफ कर करके दिखाया था। कर्जा माफ हुआ, किसान को राहत पहुंचाई, सिंचाई से लेकर के खाद बीज दवाई का इंतजाम और जो चुंगी लगा करती थी उसको भी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नेताजी ने और समाजवादियों ने कर करके दिखाया था।